हूँ। कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 1 kg गोश्त है, इसको मैंने वॉश करके और इसको पानी में डाल दिया। अब हम इसमें कुछ सामान डालेंगे, 2 प्याज यखनी के लिए, 1 लहसुन की कली, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटा जायफल, 1 जावित्री का टुकड़ा, बागान का फूल के पूरा फूल, 2 तेज पत्ता, 3 लाल मिर्च, 2 चम्मच सौंफ। आ गए, जितने हम सौंफ लेते हैं इतने ही हम साबित धनिया लेंगे। 2 चम्मच मेरे साबित धनिया है, 1 अदरक का टुकड़ा छोटा हाफ, 1 टीस्पून नमक, थोड़ा हम ऑयल भी डालेंगे, 2-4 बूंदे, ज़्यादा नहीं। इससे बिरयानी का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। अब हम इसकी चटनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में रख देते हैं। ये मेरे सारे खड़े मसाले हैं, जितने भी आपके पास हो, आप जो अवेलेबल हो आपके पास आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास सारे थे इसलिए मैंने सारे ही डाले हैं खड़े मसाले। ये हम फ्राई में डाल देंगे, हमारा ऑयल हो चुका था। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। हमारे टमाटर प्याज एकदम गल चुके हैं। ये मैंने यखनी जो की थी उसमें से बोटियां निकाल ली हैं, अलग निकाल ली हैं, और जो यखनी का पानी था वो अलग रख लिया है। और हमने यखनी की जो बोटियां निकाली थी वो इसमें फ्राई करेंगे। हम इसको बहुत अच्छे से, जब तक हमारी बोटियां का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक भूनेंगे। हमारी बिरयानी भुन चुकी है, अब इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमारा 1 कप से ज़्यादा है, थोड़ा आपके पास जितना हो उतना ले लीजिएगा। और ये हमारा 1 चम्मच के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन के और दही के साथ।